इंडिया आज तक आपकी आवाज। मैं हूं सिद्रा और आप देख रहे हैं इंडिया आज तक लाइव टीवी। तो चले नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। 5 अवैध शस्त्र के साथ 2 दस्तक गिरफ्तार। अमेठी जिले के कमरोली थाना अध्यक्ष संदीप राय व इन्होंने चौकी प्रभारी हरदेव बहादुर सिंह के साथ मैं हमरा मुखबिर की सूचना पर थाना क्षेत्र के बनभरिया गांव के पास से शिव शंकर मिश्रा उर्फ कल्लू निवासी सिंदूरवा थाना कमरोली व विमल तिवारी उर्फ आशुतोष तिवारी निवासी जुगराजपुर थाना शिवरतनगंज को एक पिस्टल, 32 बोर्ड, 2 कारतूस, 2 तवंचा, 315 बोर्ड, 2 कारतूस, 2 तवंचा, 12 बोर, 5 कारतूस के साथ गिरफ्तार कर भेजा जेल। बाइट पुलिस अधीक्षक डॉक्टर खयाती गर्ग IPS। अमेठी से ब्यूरो चीफ वसीम की रिपोर्ट। जनपद में अवैध शस्त्रों की बरामदगी और अवैध शस्त्र बेचने वालों के विरुद्ध चलाए अभियान में थाना कमरोली को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें 2 अभियुक्त शिव शंकर मिश्रा थाना कमरोली का रहने वाला और विमल तिवारी थाना शिवरतनगंज का रहने वाला, ये दोनों लोग संदिग्ध व्यक्ति लग रहे थे और इनको रोका गया तो इनकी तलाशी ली गई। इनके पास से कुल 5 अवैध तमंचे, जिसमें एक जो है ऑटोमेटिक पिस्टल, ही बरामद हुए हैं। पूछताछ में बताया गया कि ये इस तरह के अवैध शस्त्रों की बिक्री करते हैं और अराजक तत्वों को इस तरह से अवैध शस्त्रों की सप्लाई करते हैं। इनसे और ज़्यादा गहनता से विवेचना की जा रही है और इनका आपराधिक इतिहास भी प्राप्त हुआ है, जिसमें शिवशंकर के ऊपर 2008-2011 में भी पिछले प्रॉपर्टी क्राइम के मुकदमे और गंभीर धाराओं के मुकदमे पंजीकृत हैं और विमल तिवारी के विरुद्ध भी 2017 और 2019 में मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। तो अवैध शस्त्रों के सप्लायर के रूप में ये लोग सामने आए हैं और इनका जो भी गिरोह है उसके बारे में भी और संगीन विवेचना की जाएगी और ये बड़ी सफलता थाना कमरोली को और इन्होना चौकी इंचार्ज को प्राप्त हुई है। इंडिया आज तक टीवी लाइव खबरों के साथ बने रहें। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें।